अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद से कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने लिविंग रूम रूम को किस तरह हम डेकोरेट कर सकते हैं वॉल्स के थ्रू, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो दूसरी चीज़ें हम ऐड नहीं कर पा रहे होते, उससे बच्चों की मतलब ख़तरा होता है कि बच्चों को चीज़ गिरे टूटे। तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल वॉल्स का ही डेकोरेट कर रही हूँ हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये जो फ्लावर वास है ये हमने दराज से ऑर्डर किया था और ये आ चुका है, और अब इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं अपने रूम की वॉल पे। और ये बहुत ही नाइस है, बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि ये जो इसकी जो कम्बिनेशन है ब्लैक एंड रेड बहुत अच्छी लगी हमें, इसलिए हमने ऑर्डर कर लिया था और अब हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की हेल्प से ही हो रहा है, क्योंकि ये वाला एडजस्ट करना मेरे बस की बात नहीं है और ना ही मैं अकेले ये काम कर सकती हूँ। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियोस में, मतलब इस टाइप के जो भी काम हो रहे हैं वो सब मेरे हस्बैंड कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो भी शूट करनी होती है। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये मतलब सेट करके दें मुझे। और बाकी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह से, माशाल्लाह भी कह दीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरा हर चीज़ में साथ देते हैं। और आपको पता ही है कि घर जो होते हैं वो घर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अपने हाथों से ही बनाते हैं, प्यार से मोहब्बत से ही घर चलते हैं। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो जी यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुकी है हमारी ये सेटिंग, तो आप देखिए कि इसको हमने किस तरीके से सेट किया, क्योंकि इस पर बहुत टाइम लगता है। छोटे छोटे से इसके पीसेस थे और उनके नीचे बैक पे जो कि वो लगी हुई थी अटैच करने के लिए, उसको उतारना और फिर सही तरीके से एडजस्ट करना जिस तरह से वो था, तो वो बहुत टाइम लगा हमें। तो बट मैंने पूरी वीडियो शूट की है, आप लोग देखें कि ये लगे हुए किस तरह से लग रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे ये हाफ़ कंप्लीट हो चुका है। और दराज पे जो है काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं होम डेकोरेशंस की, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आप हमें तो ये पसंद आया था, हमने इसे ऑर्डर कर लिया। और अब ये देखिए रेड इसके साथ कम्बिनेशन बहुत नाइस लग रहा है। अभी इसका एक फ्लावर लग रहा है, तो उसके बाद आप कंप्लीट देखिएगा कि ये इसका कम्बिनेशन कैसा लग रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप उधर से कोई चीज़ जिस तरह बाय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बाय करें। एक तो रीज़नेबल मिल जाती हैं और दूसरा बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें होती हैं उस पर डेकोरेशन की, वॉल्स की हो गई, काफ़ी मतलब अच्छी वैरायटी है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें दराज से ऑर्डर की हैं घर की डेकोरेशन के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी अच्छी निकली हैं और बहुत ज़बरदस्त वैरायटी आई है। तो आप भी उधर से ऑर्डर करें और अपने घर को इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने घर को अपनी आइडियल घर अपना बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल मिलती हैं बाकी मार्केट की निस्बत। क्योंकि मार्केट में भी मैंने काफ़ी जगह जाके देखा है, काफ़ी चीज़ें कोशिश की हैं, बाय भी की हैं, बट वो वैरायटी और जो मतलब रीज़नेबल आपको मिलती है चीज़ वो दराज से मिलेगी। और इसलिए हमेशा से ही मैं दराज से इस टाइप की चीज़ें बाय करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से मतलब मैं कंफर्टेबल रहती हूँ इधर से चीज़ें बाय करने में और चीज़ें मुझे बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और अब देखें ये यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट हो गया है, रेड और ब्लैक कम्बिनेशन इसका बहुत नाइस लग रहा है। और अभी जैसे ही आगे ये पूरा कंप्लीट होता है आप भी देखिए कि ये किस तरह लग रहा है।
तो एक नाइस सा हमने ये लिया था, कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं किया कि पहले भी उस साइड पे भी एक और चीज़ लगाई हुई है, वो भी एक दिन मैं आपको ये पूरा कंप्लीट रूम का टूर दूंगी और फिर आप देखिएगा कि मेरे रूम की लाइट सी मतलब डेकोरेशन करके हमने किस तरह इसको एक न्यू लुक दे दी है।